हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हमारा ये सुबह का जो रूटीन का काम होता है, चाय वाय आपको पता ही, हम पीते, ये हमारा खत्म हो गया है। अब हमारा जीरो पीरियड लग रहा था कि बैठे 5-7 मिनट तो हम बैठते ही सुबह सुबह चाय ऐसे। तो आपको पता है सर कि रात को हमने इतना मोटा चूहा पकड़ा। हाँ, मैं जल्दी सोने गया था ना, तो मैंने देखा दरवाजे के पीछे की आवाज आई हुई है। फिर 2-3 बार जैसे आवाज आई, तो उसके बाद देखा भी आंख खोल कर पीछे लाइट जल रही है। मैंने कुछ न कुछ गड़बड़ है तो पीछे, तो मैं प्रथम जाग रहे थे, प्रथम को एकदम आवाज से आई, खराब की आवाज आई। मैं प्रथम को कह रही थी, कुछ सर्च करने के लिए कह रही थी प्रथम को कि प्रथम ये देख ले, वो जो हरियाणा का निकलता फॉर्म वो काउंसलिंग के लिए भरना पड़ता है अलग से, वो देख ले। कई 2-3 दिन से ट्राई कर रहा है तो वो मिल नहीं रहा उसमें। तो कह रहा थी एरर आ रहा है नानी जी अभी। तो मैंने कहा एरर का मतलब देख सर्च करके क्या है। कहता ये इसका मतलब वहां पर कंप्यूटर जो है वो खराब हो रहा है। तो ऐसे मैं उसको कह रही थी, उसको एकदम से आवाज आई, वो भागा। मैं सोचा पीछे हमारे लेबर वगैरह रहती है, पिंजरा बंद हुआ होगा ना। हाँ, तो मैं सोचा लेबर रहती है, लेबर ने कुछ क्या हुआ, तो पीछे खटपट चलती रहती है। मैं तो बैठी रही, प्रथम भागेगा, मैं सोचा क्या हो गया प्रथम को, इतना जोर से क्यों भाग गया ये। तो करा नानी जी जल्दी से, ना हमने लॉक वगैरह लगा दिए, बहुत लेट हो रहे थे क्या, मेन दरवाजा भी बंद कर दिया था, डोर सब बंद कर, रात हो रही थी। तो कह जल्दी से ना डोर खोलो, चूहा फंस गया। फिर मैंने मेन गेट भी खोला, करा देखो कितनी लंबी पूछ है इसकी। कितनी दूर छोड़ गया यार उसको? हाँ, प्रथम में गया था। अच्छा, मैं थोड़ी गई थी रात को, नजदीक नहीं छोड़ना, नहीं ना, दूर कहीं छोड़ के आया था। मैंने कहा दूर छोड़ा बेटे, नहीं वापस हमारे घर में ही आ जाएगा। ज्यादा चूहे इसमें जो बीकानेर मिष्ठान भंडार की दुकान है, इसमें ये मिठाई खा के पल जाते हैं अपने। इधर से खुली जगह है तो लोग छोड़ जाते होंगे, वो फिर इधर उधर भागते हैं, वो बैक साइड से हमारे घुसते हैं, आगे तो जगह नहीं कोई, दूसरे मकान में चढ़ के और दीवार के ऊपर से एक दो बार दिखाया है। तो ये अगर दरवाजे इसलिए बंद रखने पड़ते हैं टाइट, मान लो अंदर घुस जाए तो कितना नुकसान कर देंगे ये, तो ध्यान रखना पड़ता है। और मैं सर को ये कह रही थी कि ना, कल मैं ये पढ़ रही थी कि आजकल जो बच्चों को जो हैबिट पड़ गई है ना, बच्चों को मोबाइल पर गेम खेलने की, ये बड़ी, तो ये था कि बच्चे जो है परिवार से तो दूर होते जा रहे हैं, और गेम में कुछ गेम ऐसे हैं जो खतरनाक है, जो मतलब इन गेम की अगर बच्चों को हैबिट पड़ जाती है ना तो खूंखार बन जाते हैं। अगर उनको मना करो ना वो गेम खेलने के लिए, तो कितना उससे तो नुकसान भी अपने आप को, मतलब मैंने एक बार पढ़ा था कि अपने आप को नुकसान कर देते, खतरनाक हो जाते हैं अगर उनको मना करो। इतना दिमाग मोल्ड हो जाता है, उसके हिसाब से चलते हैं, और बच्चों को और मना कर दो, इतने अग्रेसिव और गुस्सा होता है, जैसे कुछ काम तो करा नहीं सकते, वो ये बहाना बना लेंगे मोबाइल पे। आजकल जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है या कुछ है, वो मजबूरी है, माँ बाप की देखो मजबूरी हो गई आजकल बच्चे को मोबाइल देना, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन पढ़ना लिखना ये सब हो गया है। और कुछ है तो हमारी मेड वाली, मेड जो हमारी है, वो ये कह रही थी मुझे कि आंटी मेरे बेटे ने ना मेरे सारे ऐप हटा दिए। पीट के आई उसको? हाँ, मैंने कहा क्यों? कि मैंने उसको गेम खेलने के लिए मना कर दिया, तो उसने गुस्से में वो सारे ऐप हटा दिए मेरे, व्हाट्सएप क्या और कुछ सब हटा दिए उसने। तो आज ना मैं उसको बल्कि पीट के आई हूँ। कहते हैं जब भी उसको मना करो ना खेलने के लिए, मतलब गुस्सा करने लग जाता है। तो अब क्या करें माँ बाप, ये मजबूरी। मैं देख रहा हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे बच्चों को तो रोने की, खेलने की, हंसने की सब जैसे साझी होती है, तो पेरेंट्स ने एक ही मजबूरी होगी अपना मोबाइल देते हैं और उंगली चला के जो है कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और उनको चुप हो जाएंगे। वो तो बच्चों को शुरू में क्या पता, वो तो टॉय समझते हैं इसको। हाँ, बस उसमें से उनको मजा आता है जो है वो। चलो जी, बने रहिए हमारे साथ, दिन भर दिखाऊंगी आपको क्या 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 करूंगी मैं। और हमारी मेड तो छुट्टी कर गई है जी, देखो कल उसने 15 दिन पहले ही बता दिया था मुझे कि मैंने जाना है, 1 महीने में आऊंगी मैं। मैंने कहा चलो 1 महीने में आएगी तो चलो मैं वेट कर लूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अंदर तो रोबोट कर देगा सफाई, बाहर कर लूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर नहीं आए तो मुझे बता दे, देखो भी मैं 1 महीने तक तेरी इंतजार करूं। तो उसने कहा नहीं आंटी, आप लगा लेना, बेशक लगा लो आप। हाँ, मैंने कहा चलो तेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं लगा लेती हूँ भाई,
ऐसा ना हो तू ये कहे कि मेरा काम। असल में जाते हैं तो उनकी मजबूरी होती है, महीने में हाँ या अब दो उसका महीने पता में नहीं ना, एक जाएंगे। महीने में आएगा नहीं हाँ आएगी। जरूर नहीं चलो होता है। मैंने एक दो को बोला हुआ है कि कोई हो तो बताना, करे हाँ जरूर। तो जब तक नहीं मिलती हम कर हाँ लेंगे। नहीं तो फिर अंदर रोबोट हाँ सफाई करेगा और क्या करेगा। हाँ हाँ जी। तो चलो जी आज से हम लगते हैं अपने, जब तक हमें मेड नहीं मिलती खुद ही सारा काम, ये अंदर की सफाई से बाहर की, काफी बड़ा आंगन आगे पीछे है, तो करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। को भी मौसम के बारे में बताते हुए ना हंसी आने लगी। अब जैसे टीवी पर न्यूज वगैरह में बताते हैं ना, पहले बताते हैं आज खूब बारिश आएगी, जब नहीं आएगी थोड़ा हंसेंगे, ऐसे ही मुझे भी आने लगी। ऐसे मैं 2-3 दिन से आपको ये कह रही हूँ कि ना शायद बारिश आएगी, शायद बारिश आएगी, लेकिन आती नहीं है। आज भी इतनी ज़्यादा तेज धूप निकली हुई है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं इतनी तेज है। आप भी ये सोचते होंगे कि हम इतने लेट क्यों आते हैं सैर करने, उठते तो हम 4 बजे हैं, लेकिन कुछ हमारे घर के काम ऐसे होते हैं जो हम निपटा कर आते हैं इसलिए। और दूसरा लेट आने का फायदा भी है, जो हम सारा दिन घर में रहते हैं ना, घर में कहते ऑफिस में हो या घर में हो, सारा दिन एसी में रहते हैं तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, इस बहाने से विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाती है जो हम धूप में निकलते हैं। तो इसलिए हमें कोई नुकसान वाली बात ऐसे नहीं लगती कि हम लेट आते हैं या ऐसा। हम जानबूझ के भी सोचते हैं कि चलो धूप लग जाएगी इस बहाने से। All I've seen. प्रथम के लिए मैंगो कट कर देती हूँ, मैंने अपना लंच कर लिया है, कर लिया था अभी दिन हो गया है मेरा, काफी टाइम हो गया, अब तो शाम हो गई है। उसका मन कर रहा था मैंगो खाने का, मैं कहा चलो कट कर देती हूँ। उस प्रथम की है बेटा, अगर इसको दे दो ना कट करके फिर तो खा लेगा, अपने आप नहीं खाता ये, कहती रहती हूँ खा लूंगा खा लूंगा, जब तक सुपाट की ना धोने खाता ही नहीं। वो बड़े बड़े पीस करवाता है, कहते बड़े बड़े पीस कर देना मेरे ना, ऐसे खाता है। दे आपके प्रथम को
अब ये शाम तक के अब थोड़े से बर्तन होते हैं मेरे पूरे दिन के, बार बार क्या एक एक गिलास को साफ करना है। हमारे मेरे प्रथम के लंच के होते हैं वो फिर करते शाम के टाइम करते, अब शाम हो गई है थोड़ी देर में तो सारे आ जाएंगे, तो इतने तक मैं इनको निपटा देती हूँ थोड़े से बर्तन। आपने मेरी वीडियो लोग देख के मुझे बताया करो प्लीज, अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया ना, मुझे ज्यादा मैंने पहले बताया था कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा शौक है, मुझे शौक है करने का, तो गाइडलाइन देते रहे आप मुझे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे, थोड़ा थोड़ा पानी चलाती हूँ बर्तन को, बड़ा आएगा ना मान लो मैं ऐसे बर्तन साफ कर रही हूँ तो थोड़ा पानी तेज चल रहा होगा तो थोड़ा बड़ा कम कर देगा। अब तो बस रात के खाने की तैयारी शुरू करनी है, प्रथम क्या बनवाएगा शायद उसको दाल ज्यादा पसंद, दाल बनवाएगा आपको जी, मैं कर लेती हूँ रात के खाने की तैयारी, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।